नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में सरकार ने शुक्रवार को बताया है कि कोविड 19 की बेहतर होती स्थिति को देखते हुए रविवार की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था यानी वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। अब रविवार को भी बाजार खुल सकेंगे। साथ ही सरकार ने अब से सभी शहरों, बाजारों, उद्योगों व कारखानों में कोविड काल से पूर्व में प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया है। चालान में कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में 14 मार्च 2020 से ट्रेनों का संचालन रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया था, जिसमें देश की सबसे कम दूरी तय करने वाली एट कोच शटल ट्रेन भी शामिल थी। लेकिन जैसे ही ट्रेनों का संचालन रेल प्रशासन द्वारा किया गया था, वैसे ही इस ट्रेन को भी चलाए जाने की मांग जनता और न्यायार्थी कल्याण संगठन द्वारा किए जाने लगी। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए शुरू नहीं किया गया था, लेकिन जब लगातार इस ट्रेन को चलाए जाने की मांग की गई, जिस पर रेलवे प्रशासन ने अपनी मंजूरी देते हुए इसे 1.5 साल बाद पुनः 23 अगस्त से शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इस ट्रेन का संचालन 23 अगस्त से ईट से किया जाएगा। झांसी में सद्भावना दिवस के दौरान आज SSP शिवहरी मीना ने अपने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, वेशभूषा, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तथा सभी भारतवासियों की सभी समस्याओं का समाधान निस्वार्थ भाव से व शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से निवारण करेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। अजीत की कौम के सिया लोग अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए मातम मनाते, इसमें ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। कोरोना के चलते इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा जुलूस पर रोक लगाई गई। झांसी SSP शिवहरी मीना ने बताया कि प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां की जा चुकी हैं और मुसलमान भाइयों के इस त्योहार को खुशहाल तरीके से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश सरकार मेरठ में खेल विश्वविद्यालय खोलेगी। इसका नामकरण मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान बनाया जाएगा और ओपन जिम खोले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणाएं बृहस्पतिवार को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान की थी। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम में योगी ने इन खिलाड़ियों को करीब 42 करोड़ रुपए के चेक भेंट किए। जनपद जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम बिचौली में एक युवक ने हाई टेंशन लाइन के खंभे से लटक कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक काम न मिलने से परेशान था, जिसकी वजह से वह 2 महीने पहले अपने माता पिता से अलग हुआ था और वह मदारीपुर में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रह रहा था। लेकिन काम न मिलने पर उसने बिजौली गांव में आकर खेत से निकले हाई टेंशन तार के खंभे से लटक कर जान दे दी, जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाई टेंशन तार से लटके रहे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मऊरानीपुर के नगर रानीपुर में मुहर्रम व रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को देखते हुए उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने पुलिस कर्मियों के साथ रानीपुर नगर में फ्लैग मार्च किया। उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह, SI अश्विनी दीक्षित, SI शिवम बघेल व देवरी चौकी रानीपुर, चौकी प्रभारी BK सिंह, उप निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव एवं भारी पुलिस बल द्वारा मऊरानीपुर नगर एवं कस्बा रानीपुर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस चौकी से प्रारंभ हुआ, मोहल्ला देवरी से लेकर बस स्टैंड, मुख्य बाजार समेत विभिन्न मोहल्लों में होकर गुजरा। पुलिस द्वारा त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को कहा गया। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों को देख अराजक तत्वों पर पूरी नजर रखी जाए। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।